स्कूल में टीचर ने हम सबको डैश डैश दिए। अब जब तक हम इस खाना पूरी नहीं करेंगे, हमें इस सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा? खाली जगह में कुछ भी हो सकता है। मार दिया, चॉकलेट दिया, होमवर्क दिया, मिठाई दी, कुछ भी आ सकता है। अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से बोले कि आज टीचर ने हमें क्लास में मिठाई दी, अब कितने अच्छे से हमें इस सेंटेंस का मतलब आ गया, है ना? क्योंकि हमने यहाँ पर एक वर्ड को गेस कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो लेसन है गेस द वर्ड, यहाँ पर हमें बच्चों को जो सेंटेंस है उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड को किस तरह से गेस करना चाहिए, ये हम यहाँ पर बच्चों को सिखाएंगे, ताकि दी पिक्चर्स को देखकर वो बच्चे लेटर्स को गेस कर सके और जो सेंटेंस है उसको समझ सके, उसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर उनको आए। साथ ही साथ जब बेटर अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस की उनको आ जाएगी, तो उसको रीड करेंगे वो लाउडली, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है बिल्डिंग होगा। इसी के साथ साथ बच्चों को यहाँ पर टीम वर्क में भी काम यहाँ पर समझ पाएगा। लेसन में आने वाले जो नए नए वर्ड्स हैं लाइक किंग, क्वीन, थिन, फैट, लाइक लीफ, माउस, रैट, ये सारे वर्ड्स भी बच्चों को यहाँ पर समझ में आएंगे। बच्चे लेटर गेस कर सकेंगे, बच्चों को सेंटेंस बनाते आएगा यहाँ पर अच्छे से। तो ये सारी बातों का हम यहाँ पर ख्याल रखेंगे, ताकि एनईपी 2020 की तरह ना सिर्फ उनकी यहाँ पर इल्मी तरक्की हो, बल्कि यहाँ पर मजमूई तरक्की का हमें ध्यान रखना है। चूंकि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में अलग सा लेसन है, बच्चों के लिए न्यू है, तो हम उन्हें खेल खेल के जरिए, एक्टिविटीज के जरिए, गेम्स के जरिए, चार्ट्स के जरिए ये लेसन समझाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये लेसन। गेस द वर्ड, कैन यू गेस इट?